जाना चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको दे दें, अमरोहा से बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की जा रही है और इसकी शिकायत भी उन्होंने करा दी है। आज तक से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने डीएम से फर्जी वोटिंग की शिकायत कर दी है। और क्या कुछ कहा है कंवर सिंह तंवर ने, सुनिए। तो ऐसे पकड़े जा रहे हैं, मतलब जब वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? अब ये सोचो ना, जब एक पकड़ के बंद भी कर दिया, अब जाके इंटरव्यू ले उनसे। तो कहीं ये लग रहा है कि पूरा जो चुनाव है वो पोलराइज करने की तरफ है, क्योंकि अमरोहा में भी आपको पता है 40% मुस्लिम आबादी है। तो आपको लगता है क्या कि ये पूरा हिंदू बनाम मुस्लिम ये चुनाव की? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन भाइयों को सोचना चाहिए जो ऐसी वोटिंग कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग कर रहे हैं और बुर्का पहन के कर रहे हैं, तो उनकी चेक होने चाहिए। तो ये जो आपने को ये जानकारी मिली है कि कोई पुरुष मतदाता बुर्का पहन के किया है, तो क्या 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 इसके क्या महिला मतदाताओं के खिलाफ भी आपको कोई शिकायत देखो है? देखो जी, जो हमें उस बुर्का को चेक करना पड़ेगा, वो फोर्स कम है। अभी मैंने डीएम को बोला है, मैं अभी देख के वहीं से आ रहा हूँ नौगांव से, और ज़्यादातर नौगांव में ही हुआ ये काम। और भी इलाकों में दौरा और जा रहा हूँ, देख रहा हूँ अमरोहा में, नौगांव में देख के आया हूँ, वहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अमरोहा से बीजेपी के सांसद को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए बुर्का पहनकर पुरुष वोट कर रहे हैं महिला बनकर, इसकी शिकायत भी उन्होंने कर दी है। लेकिन आपको बता दें, बीएसपी के उम्मीदवार दानिश अली ने इस पर किया है पलटवार। अमरोहा से बीएसपी के उम्मीदवार हैं दानिश अली, उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल बीजेपी बुर्के में अपने लोगों से ही वोट डलवा रही है। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त अमरोहा से बीएसपी कैंडिडेट कुंवर दानिश अली साहब हैं। दानिश साहब, आप लगातार घूम रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, जनता जो है एकदम बदलाव के मूड में है। लेकिन अभी अब बीजेपी के एमपी और कैंडिडेट जो हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नौगांव में एक शख्स को पकड़ा गया है जो बुर्के में था, वोट डाल रहा था। क्या आपको लगता है? ये तो बीजेपी वालों की चाल जो है इस बार नहीं चलने वाली। किसी को बुर्का पहना के पहुंचा दो या किसी को जो है कुछ और पहना के पहुंचा दो, ये चाल पोलराइजेशन नहीं होने वाला। तो आपको क्या लगता है? उल्टा भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, पूरा शासन जो है प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन जनता का इतना सीधा वोट कर रही है कि रुक नहीं पा रही। अभी की घटना है, गढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं सतपाल यादव, उनको डिटेन किया है। अपने बूथ पे वो वोट कास्ट कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हैं, अपने बूथ पे वोट कास्ट करके निकल रहे हैं, और उनको जो है डिटेन किया खाली हमारे वर्कर्स को डिमोलाइज करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना, जनता तय कर। तो जो बुर्के का आरोप है उसको आप क्या कर रहे हैं, कि खारिज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पोलराइजेशन की कोशिश कुछ नहीं है। बीजेपी वाले खाली आरोप लगा रहे हैं, आरोप में कोई हो सकता खुद बुर्का पहना के या